झारखंड की स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर घाटशिला एसडीओ सुनील चंद्र, एसडीपीओ अजीत कुमार कुजूर, कार्यपालक दंडाधिकारी अमन कुमार काली राम शर्मा सहित अन्य अधिकारियों ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। एसडीओ सुनील चंद्र ने झारखंड राज्य के स्थापना दिवस को भी ऐतिहासिक बताते हुए विकास की दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प दोहराया एवं भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों पर चलने और उनके अधूरे सपनों को साकार करने का संकल्प लिया। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। झारखंड आज का दिन हम सभी झारखंड वासियों के लिए बहुत गर्व का दिन है, बहुत गौरव भरा दिन है। मैं झारखंड के सभी वासियों को, सभी देशवासियों को आज झारखंड का स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामना देता हूं। साथ ही साथ भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस होने के कारण भी मैं सभी को बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। भंडार गुरुद्वारा में शुक्रवार को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी की जयंती का प्रकाश पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई। इस दौरान गुरुद्वारा परिसर में शब्द कीर्तन, पाठ और अरदास का आयोजन हुआ। श्रद्धालुओं ने माथा टेक कर सुख समृद्धि की प्रार्थना की और सामूहिक प्रसाद ग्रहण किया। मऊ भंडार गुरुद्वारा कमेटी ने एचसीएल आईसीसी के कार्यपालक निर्देशक श्याम सुंदर सेट्ठी व अर्जुन लोहरा को अंग वस्त्र देकर स्वागत किया। कार्यक्रम का नेतृत्व ग्रंथी रत्न सिंह, त्रिलोचन सिंह, दमन दीप सिंह और ओमी दलजीत सिंह ने किया। 13 से 15 नवंबर तक अखंड पाठ और शब्द कीर्तन का आयोजन किया गया। इसके उपरांत शब्द कीर्तन और अरदास के बाद सामूहिक लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग प्रसाद ग्रहण किए। इस पवित्र अवसर पर गुरुद्वारा के प्रधान हरभजन सिंह, सचिव बलबीर सिंह और कोषाध्यक्ष मनोहर सिंह, परमजीत सिंह, सुखदेव सिंह, गुरु बच्चन सिंह, जितेंद्र सिंह, देवेंद्र पाल सिंह, परमजीत सिंह, हरप्रीत सिंह, इकबाल सिंह समेत काफी संख्या में लोग मौजूद थे। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। झारखंड भाषा भाषा मूल निवासी संघ और झारखंड आंदोलनकारी संघ ने संयुक्त रूप से भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और झारखंड राज्य के स्थापना दिवस को बड़े ही धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर घाटशिला में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मौके पर मुख्य रूप से संजय बेहरा, सुराई बास्के, सपन हांसदा, सालखान मुर्मू और बिकी कर्मकार समेत कई लोग उपस्थित थे। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे बिरसा मुंडा, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे बिरसा मुंडा, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे बिरसा मुंडा, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे अबुआ दिशा अबुआ राज, अबुआ दिशा अमर राज, अबुआ दिशा अबुआ राज, अबुआ राज फूल गुलान जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा फूल गुलान जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी फूल गुलान जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा बिरसा मुंडा, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे बिरसा मुंडा, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड। प्रथम सभी झारखंडियों को झारखंडी भाषा भाषी मूल निवासी संघ की ओर से झारखंडी जोहर, और सभी झारखंडियों को संदेश ये देना चाहते हैं कि ये प्रकृति जब से इस ब्रह्मांड में जब से प्रकृति है और तब से हम आदिवासी लोग इस धरती पर अस्तित्व है, और हम लोग इस धरती को हमेशा एक रक्षक के रूप में हमें जाना जाता है, और जब जब इस धरती पर अन्याय और अत्याचार होता है तब तक बाबा बिरसा मुंडा जैसे महान पुरुष का आगमन होता है और इस धरती से अन्याय और अत्याचार का मैंने क्या बोलेंगे नाश होता है, और एक नया रास्ता मैंने अपना उलगुलान से दर्शाया गया है। जिस तरह एक इतना कम उम्र में एक युवा जो आज पूरा भारत ही नहीं पूरे विश्व में एक प्रचलित नाम है, बाबा बिरसा मुंडा जो है एक जनजातीय गौरव नहीं ये राष्ट्रीय गौरव की बात है, पूरे विश्व की बात है। इतना कम उम्र में एक महान आत्मा और शुद्ध बोला जाए तो शुद्ध शांति के दूत है, उसको जो है झारखंड में उसके विचार को पढ़ना चाहिए, उनके जीवनी को पढ़ना चाहिए, और आज के युवा जो भटके हुए हैं उस युवा को जो है बाबा
बिरसा मुंडा के रास्ते पर और उनके जीवनी को पढ़कर झारखंड को जो सपना है उस सपना के रास्ते पर चलना चाहिए। बाबा बिरसा मुंडा अमर रहे, सदा अमर रहेगा। और सभी को पुनः झारखंडी जोहार, उलू गुलान जिंदाबाद। आज हम लोग मोभंडार बिरसा मुंडा मूर्ति का यहाँ आज हम लोग झारखंड स्थापना दिवस सह बिरसा मुंडा जयंती मनाया गया। और आज हम लोग मुख्य रूप से आज एक संकल्प के रूप में हम लोग ले रहे हैं कि बिरसा मुंडा का जल जंगल जमीन का जो आंदोलन था, उन्मूलन था, उसको हम लोग बरकरार रखेंगे। और ख़ास तौर पर हम ये बोलना चाहते हैं कि जंगल का आंदोलन कैसे हुआ। जब ब्रिटिश के साथ बिरसा मुंडा लड़ाई लड़ा, लड़ाई के दरमियान में एक महामारी आया, उस महामारी के तहत जो है जंगल का जड़ी बूटी के माध्यम से जो है बिरसा मुंडा ने सभी को उपचार किया, ट्रीटमेंट किया। उसी दौरान ब्रिटिश सरकार ने ये घोषणा किया कि जंगल का जो भी जड़ी बूटी है जो यूज कर रहा है उसका टैक्स लगेगा। तो उसका जो उद्देश्य को आज भी हम लोग याद करते हैं कि जल जंगल जमीन, यानी जंगल के साथ जमीन का जो आंदोलन चला कि यह बिरसा मुंडा ने यहाँ का लोगों ने जमीन को काटा और अपना खेती योग्य बनाया। खेती करने के उपरांत ब्रिटिश सरकार ने उन लोगों के ऊपर जो है टैक्स लगाया। हम लोग अपना जमीन काटा है, हम लोग बनाए हैं जमीन, उसका हम लोग टैक्स नहीं देंगे। कि पानी का जब सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने दबाव दिया कि जिस पानी से आप खेती करते हैं उस पानी का टैक्स आपको देना होगा, इसके साथ साथ पीने के लिए जो कुआं का पानी है उसको भी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है टैक्स लगाया। तो उसका विरोध में भी ये लोग आंदोलन किया कि पानी का हक अधिकार ये प्राकृतिक क्या है, ये हमारा है। जल जंगल जमीन का आंदोलन का ये संक्षेप में मेरा यही कहना है कि यही जो पहले कहा गया इसको आगे हम लोग जो है उलगुलान जारी रखेंगे, आगे बढ़ाएंगे हम लोग।